अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ठाक खुश बाशस से मुस्कुराते होंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन तंदूरी टिक्का। विदाउट ओवन के हम बनाएंगे और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के साथ। विदाउट ओवन के पतीले में बनाएंगे और इंतहाई जूसी और सॉफ्ट बनेगा, क्रंची ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है। चिकन के हमने लेग साइड लेनी है, लेग पीसेस लेने हैं। मैंने 4 अदद लेग पीस लिए हैं। अब इनको साफ़ कैसे करना है उसकी रेसिपी मैं आपके बता दूँ। फर्स्ट स्टेप जो इसका है, इसके अंदर हम नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी शामिल करेंगे 1 टीस्पून, और हम इसके अंदर 1 प्याली सिरके की शामिल कर देंगे। ठीक है, इसको मैंने वैसे तो अच्छी तरह वॉश किया था, लेकिन इस उसके बाद हम इसको इसमें थोड़ा सा 10 से 15 मिनट इसको लगा के ये चीज़ें और इसको रख देंगे, और फिर इसको हमने वॉश करना है। ठीक है, 10 से 15 मिनट वेट करने के बाद आपने इसको कट लगाने हैं। अब कट की बारी है, वॉश कर लिया है चिकन आपका। दरमियाने साइज़ का आपने चिकन लेना है, क्योंकि ये अच्छे से कुक भी हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा जो होगा वो फिर कुक करने में आपको मुश्किल हो जाएगी। ये देखिए जी, दरमियाना साइज़ है। इस तरह से आपने कट्स लगा लेने हैं। ठीक है, इस तरह से कट लगाएंगे ताकि मसाला अंदर तक चला जाए, और ये मक्खी पता नहीं कहाँ से आ जाती है, बहुत तंग करती है। अच्छा, इसके जॉइंट पे आपने इस तरह से कट लगा लेना है, और इस तरह से ऐसे दोनों साइडों पे ना कट्स लगा लेने हैं। ठीक है, ये भी तरीका जो होता है ना कट्स लगाने का, ये भी आपको आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आपने ले लिए कट्स लगा लिए, नमक इसमें 1 टीस्पून डाल दिया, 1 टीस्पून हल्दी डाल दिया, और इसके अंदर हमने इसकी मैरिनेशन, अब फर्स्ट मैरिनेशन मैं रेडी कर रही हूँ। इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ठीक है, ये कोई 2 चम्मच हैं, और 1 प्याली जो है ना इसके अंदर मैं दही की शामिल कर रही हूँ। ठीक है, वो आपने ऐड कर देनी है। और मक्खी मुझे बहुत तंग कर रही थी, इसको मैं बार बार साइड पे कर रही थी। ठीक है, तो ये एक ही आई हुई है, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जी कश्मीरी लाल मिर्च। ये कलर के लिए भी होती है, इससे अच्छा कलर आता है और स्पाइसी भी हो जाता है। दूसरी मिर्च भी हम डालेंगे इसके अंदर, वो आगे चल के मैं आपको दिखाऊँगी जब हम दूसरी मैरिनेशन करेंगे। ठीक है, इसके फर्स्ट मैरिनेशन में हमने ये चीज़ें डाल दी। 2 लीमू भी इसके ऊपर निचोड़ देने हैं अच्छे से। ठीक है, ताकि इससे जो है ना लीमू से ये होगा कि ये अंदर तक मसाला जाएगा, और थोड़ा सा खट्टा खट्टा फ्लेवर आएगा, और बहुत मज़ा और आएगा और जूसी लगेगा। अब हम इसकी दूसरी मैरिनेशन रेडी करते हैं। उसको हमने लगा के, आपने फर्स्ट मैरिनेशन को आपने लगा के रख देना है, कोई कम से कम 2 घंटे रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने रखना है तो ओवरनाइट रखते हैं। अगर आपको पता हो कि गेस्ट आ रहे हैं तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपने ले लिया है जी इसके अंदर नमक 1 चम्मच, 1 चम्मच आपने लाल मिर्च पाउडर लिया, 1 चम्मच आपने ज़ीरा पाउडर, और 1 चम्मच आपने गरम मसाला पाउडर ले लिया। अगर आपके पास ये चीज़ें साबित हैं तो आप इनको ले कर ग्राइंड करके, तो इनको जो है ना इसका पाउडर बना लें। इस तरह से आपने मिक्स किया। अब आपने एक पैन लिया, पैन में आपने 2 चम्मच ऑयल डाले, उसके अंदर आपने जो है ना ये मसाला शामिल कर दिया, और पैन आपका गरम हो, और जब जैसे ही पैन धुआं छोड़े तो आपने चूल्हा ऑफ़ कर देना है। इसको ज़्यादा जलाना नहीं है, क्योंकि गर्म पैन में आपने इसको डालना है। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने ये जो है ना एक बाउल लेना है, उसके अंदर आपने 1 प्याली दही शामिल करनी है, और इसके अंदर आपने ये वाला मसाला जो आपने रेडी किया है, जो मैरिनेशन हम सेकंड मैरिनेशन बना रहे हैं जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, वो बना रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने 1 चम्मच जो है ना ऑरेंज कलर शामिल कर दिया है। ठीक है, ये देखें जी, इस तरह से ये पेस्ट बन जाएगा, और इसके अंदर हमने वो मसाला शामिल कर दिया, और इसको जो है ना अब हम मैरिनेशन हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी। सही, देखें जी कितना अच्छा कलर आ जाएगा इसके साथ, क्योंकि बाज़ार वाले भी जो है ना वो फूड कलर डालते हैं, तो हम भी थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, बस ये कि इन्हेंस करने के लिए, वरना अदरवाइज़ आप नहीं डालना चाहते तो आप मत डालें। ठीक है, इसको इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर हम जो है ना फ्रिज से अपनी जो फर्स्ट मैरिनेशन हमने रेडी करके चिकन रखा था उसको निकाल के इसके अंदर लगाएंगे, और इसको रेडी करेंगे।
और इसके अंदर मैंने थोड़े से चिली फ्लिक्स भी डाल दिए क्योंकि अच्छे लगते हैं। अगर आपके पास तिल वगैरह हैं आप वो भी शामिल कर सकते हैं, वरना कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। इस तरह से दोनों साइडों पे इसके लगा के इसको अच्छे से मिक्स करके आपने इसके अंदर तक इसको लगा देना। ये देखिए जी कितना अच्छा कलर आ गया और शाइन भी आ गई और बहुत ही मज़े का ये लगेगा। और ये देखिए आपने इस तरह फिंगर की मदद से आप इसके अंदर कट्स लगे हुए हैं जो उसके अंदर भी मसाला डाल सकते हैं। एक्सेस आपने निकाल लेनी है। इस तरह बारी बारी सबको अपने इसके अंदर डिप करते जाना है और ताकि जो है ना सारे को मसाला लग जाए। इस तरह से ये हमारी मैरिनेशन रेडी हो जाएगी। फिर आपने इसको लगा के रख देना है। अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं और आपने काम करना है, यानी कि कल आपके मेहमान आ रहे हैं, आज आप इस तरह के काम करके मैरिनेशन करके आप रख दें, जैसे ही गेस्ट आए तो आप उसको रेडी भी कर सकते हैं। ये देखें जी हमारी सारी ये चार पीसेस थे और चारों की चारों मैरिनेशन हमारी कम्प्लीट हो गई है। और जो मैरिनेशन बची थी वो मैंने इसके ऊपर डाल दी है ताकि ये और ज़्यादा जूसी और मज़े का फ्लेवर दे सकें। क्योंकि ये रेसिपी विदाउट ओवन के बना रहे हैं तो आपने एक कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई के नीचे चूल्हा जलाना है। एक आपने स्टैंड ले लिया इस तरह का, ठीक है, जाली है ये, और इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया है। अगर आपने बटर पेपर नहीं भी लगाना तो ना लगाएं, इसकी ज़्यादा कोई वो नहीं है, बट आप इसके अंदर थोड़े से सुराख कर लें, दो तीन सुराख करके, और आपने जो है ना बटर पेपर के ऊपर वन बाय वन करके आपने चिकन पीसेस रख देने। मैंने पहले यहाँ पे तीन रखे थे और एक मैंने सोचा कि नहीं रखती, बाद में रखूँगी, मगर ये चारों आ गए थे पीसेस, ठीक है, आराम से ईजिली आ गए थे, तो मैंने कहा चलें जी एक झटके में हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो यहाँ पे अब हम इसको जो है ना मैरिनेशन जो हमने की हुई थी इन पीसेस को हम कढ़ाई के अंदर रखेंगे। चूल्हा हमने जला रखा है, स्टार्ट आंच जो है ना वो हमने लो टू मीडियम रखनी है, और उसके बाद हमने मीडियम आंच पे इसको 20 मिनट रखना है। एक साइड जब हमारी हो जाएगी, ये यहाँ पे 20 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं। ये देखें जी इस तरह की लुक आई है। 20 मिनट के बाद आपने साइड चेंज कर देनी है आराम से, और ये देखें जी कितने अच्छे मज़ेदार किस्म के, ये देखें इसके अंदर स्टीम भी बहुत ज़्यादा हो। ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप पतीली में पानी भी डाल सकते हैं जो कि पानी नीचे नीचे रहे, सही है, ज़्यादा ऊपर ना लगे, मसाले लगे हमारे चिकन को ना लगे। यहाँ पे हमने साइड चेंज कर दी और यहाँ पे जी माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा चिकन रेडी हो गया है, गल गया है। और अब हमने क्या करना है कि इसको अच्छी सी लुक देने के लिए आपने एक जाली रखी चूल्हे के ऊपर, बर्नर के ऊपर रख लें, अगर आपके पास वैसे भी कोई जाली है तो आप उसके ऊपर रखें, और इसको जो है ना सेकना है आपने दोनों साइडों से, और ऊपर से ऑयल हल्का सा ब्रश कर दें ताकि ये और इन्हेंस होके आए और बहुत अच्छी और बहुत यमी लुक आएगी। आप इसमें थोड़े से स्पाइसेस ज़्यादा रखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत जूसी और आपको बाज़ार जैसा फ्लेवर मिलेगा, और बहुत ही उम्दा किस्म के ये आपके चिकन टिक्का घर पर तैयार हो जाएंगे। चंद ही मिनटों में आपके चिकन टिक्का पीसेस रेडी हो जाएंगे और आपके घर वाले जो है ना आपकी तारीफ़ किए बिना तो रह नहीं सकेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे चिकन टिक्का रेडी हो चुके हैं, विदाउट ओवन के, विदाउट किसी जो है ना तंदूर के, विदाउट किसी स्टीमर के, ठीक है, हमने घर पर इसको रेडी कर लिया है। आपने इसको दही की चटनी के साथ, केचप के साथ, हरी चटनी के साथ, सैलड के साथ, चपाती ले लें, नान ले लें, जिसके साथ खाना चाहें खाएं और इन्जॉय करें। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में और रिस्क में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करने से थोड़ी हौसला अफजाई हो जाती है, वीडियो को फुल देखने से थोड़ी हौसला अफजाई हो जाती है हमारे काम की, जो हमने मेहनत की होती है उसकी, ताकि हम नेक्स्ट अच्छे अच्छे से व्लॉग, अच्छे अच्छे से वीडियो आपके साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।